बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई लगभग आधी पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार से मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुन रहा है। सुनवाई शुरू होने पर सबसे पहले मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन को मिले धमकी भरे पत्र का जिक्र आया। चीफ जस्टिस ने कहा कि वे इस पर मंगलवार को सुनवाई करेंगे। बता दे, इससे पहले कोर्ट ने 16 दिन तक हिंदू पक्ष की दलीलें सुनी थी। हिंदू पक्ष की तरफ से रामलला विराजमान और निर्माही अखाड़ा ने अपना पक्ष रखा था। सुनवाई की शुरुआत में कपिल सिब्बल ने सुन्नी वक्फ बोर्ड वकील राजीव धवन को मिले धमकी भरे पत्र को मेंशन किया। उन्होंने इसे अदालत की अवमानना बताते हुए मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वे इस मामले को मंगलवार को सुनवाई करेंगे। मैं अपनी दलीलें शुरू करने से पहले माफी मांगना चाहता हूँ। मैं मीडिया में अपनी टिप्पणियों और वरिष्ठ वकील पीएन मिश्रा पर की गई टिप्पणियों के लिए भी माफी मांगता हूँ। सभी जगह ये महसूस किया जा रहा है कि मैं चिड़चिड़ा होता जा रहा हूँ। धवन ने ये माफी बीच में टोकर टाकी के लिए मांगी है। धवन ने कोर्ट से सप्ताह के बीच में बुधवार को खुद के लिए ब्रेक की मांग की। धवन ने कहा कि उनके लिए लगातार दलीलें देना मुश्किल होगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे कोर्ट को परेशानी होगी, आप चाहे तो शुक्रवार को ब्रेक ले सकते हैं। इस पर धवन ने सहमति जताई। 16 दिन की सुनवाई में हिंदू पक्ष के वकीलों ने अपनी बात को पूरी प्रामाणिकता के साथ रखने की भरसक कोशिशें की हैं। सुनवाई के दौरान दिलचस्प दलीलें भी रखी गई। कभी रामलला को नाबालिग बताया गया तो कभी मालिकाना हक के सबूत डकैती में लुटने की बात भी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने भी राम के वंशजों के बारे में पूछकर हलचल मचा दी। सुनवाई के पहले दिन ही हिंदू पक्ष ने ये दलील रखी। निर्माही अखाड़े के वकील सुशील जैन ने कहा कि विवादित भूमि पर 1949 के बाद से नमाज नहीं हुई, इसलिए मुस्लिम पक्ष का वहां दावा ही नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि जहां नमाज नहीं अदा की जाती वो स्थान मस्जिद नहीं मानी जा सकती है।